हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम जा रहे हैं अपने खेतों को देखने के लिए, जहाँ पे हमने धान लगाया था उसे देखने के लिए जा रहे हैं। तो ये रास्ता बहुत कीचड़ भरा है, यहाँ हमें चप्पल खोलना पड़ेगा। तो मैं चप्पल से नहीं चलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसा रास्ता है, तो चप्पल मैंने उठा लिया हाथ में। तो अब चलते हैं, बहुत ही ख़राब रास्ता है। यहाँ पे पानी है, देखिए यहाँ पानी है। तो चलते हैं धीरे धीरे, और वो देखिए जा रहे हैं मेरे हस्बैंड आगे आगे। और कितना दूर जाना है? देखिए वो भी चप्पल पकड़ के जा रहे हैं हाथ में, क्योंकि यहाँ पे चप्पल के साथ चलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा कीचड़ है। तो इधर ही है हमारा खेत इधर है, तो वहाँ पे थोड़ा सा देखने जाएंगे, शायद खाद उद लगेगा या फिर उसमें बहुत सारे घास वगैरह आ गए हैं। तो देखते हैं कितने घास आए हैं, उसका क्या करना है और क्या नहीं करना है, सब कुछ देखेंगे और बताएंगे। देखिए इधर बैल चल रहे हैं। इधर देखिए गाय चल रहे हैं। हाँ, वो कितने आगे हैं, मैं कितने पीछे हूँ, देखिए आप। ओ, मेरी तो हालत ख़राब हो रही है। बारिश भी शुरू हो रही है, बारिश होना शुरू हो गई है, हल्की हल्की बारिश हो गई है। चलिए चलते हैं, आपको दिखाते जाएंगे जो जो मिलते जाएगा। उधर ट्रेन जा रही है और इधर है हमारा खेत। तो फ्रेंड्स, अभी बारिश हल्की हल्की हो रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है। तो उम्मीद है हम लोग भीगेंगे नहीं, जल्दी से घर भी वापस जाना है। यहाँ पे बहुत कीचड़ वाला रास्ता है, बहुत कीचड़, बहुत ज़्यादा कीचड़ है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अपने खेत में, और खेत का क्या हालत है दिखाती हूँ आप सबको। ये है हमारा खेत, ये देखिए, और यहाँ से पानी जा रहा है। मेरा टूटा हुआ है, कल बंधा जाएगा। और घास वगैरह कुछ भी नहीं है, ज़्यादा है ना, वो सब तो पूरा घास सब दिख रहा है, तो वो सबको उठाना पड़ेगा। हाँ, एक दिन साफ करने के लिए आना होगा। तो देखते हैं, दो चार दिन में जब भी फुर्सत हो हम लोग आ जाएंगे इसे साफ करने के लिए, क्योंकि साफ करना ज़रूरी है, वरना ये धान के पौधे जो हैं उग नहीं पाएंगे, बड़े नहीं हो पाएंगे, घास उसे बढ़ने नहीं देंगे।
तो देखते हैं जब फुर्सत मिलता है तो आते हैं और ये सबको साफ़ करते हैं। खेत देखिए हमारा वहाँ से है, काफ़ी बड़ा खेत है ये ना, वहाँ से यहाँ तक सबसे हावड़ा मुंबई रेल लाइन है, सबसे सबसे बड़ा खेत हम लोग का यही है, सबसे बड़ा खेत देखिए। ये देखिए यहाँ से इधर पूरा यहाँ तक वो खंबा तक, खंबा से थोड़ा सा आगे पूरा ये खेत हमारा है। तो अभी वापस चलते हैं क्योंकि बारिश शुरू हो गई है और वापस जाना ज़रूरी है क्योंकि अभी शाम भी हो रही है और बारिश भी हो रही है। गोलू को भी घर में छोड़ के आए हैं तो जा रहे हैं, अभी आते हैं फिर कल परसों खेत में और ये सब घास वगैरह सब साफ़ करना है। तो ये रास्ता देखिए कितना ख़राब रास्ता है, देखिए बिल्कुल मुझसे तो चढ़ा नहीं जा रहा है, बहुत फिसलन भी है। ये देखिए चप्पल पकड़ के हम लोग जा रहे हैं, ये देखिए मेरा चप्पल वो उनका, बहुत ख़राब हालत है पर काम तो करना पड़ेगा। जो लोग खेत में काम करते हैं या फिर जो क्या बोलते हैं किसान हैं, जो मतलब खेती करते हैं, जो लोग जो चावल वगैरह उगाते हैं, धान और गेहूं जो भी उगाते हैं, उनको काम तो करना ही पड़ता है। चाहे आप जितना भी आदमी लगा लीजिए, जितना भी लेबर लगा लीजिए, पर खुद तो आके करना ही पड़ता है क्योंकि आप अगर खुद नहीं आएंगे तो लेबर भी काम नहीं करेंगे, तो इसीलिए आना ज़रूरी है। और बीच बीच में आते रहते हैं और देखते रहते हैं क्योंकि किसी दूसरे के भरोसे में अगर छोड़ा जाए खेत को तो फिर उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, जितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उतना नहीं आएगा, मतलब जितना आप सोचते हैं ना उतना नहीं आएगा आपका अनाज, तो इसीलिए आना पड़ता है और देखना पड़ता है। आप लोगों में से भी अगर कोई खेती करते हैं और अगर आप लोग धान की खेती अभी कर रहे हैं तो बताइएगा ज़रूर कि क्या हालत है आप लोगों की तरफ का, और हमारा तो ये हाल है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी मिला हमको, तो यहाँ पे हम पैर धो लेते हैं। ये है पानी, देखिए पानी जा रहा है, आगे भी है पानी, यहाँ पे धो लेते हैं फिर आगे निकलते हैं। ये देखिए, और यहाँ पे इस तरह के घास है ना जो कपड़ों में लग जाते हैं, जो मतलब छूटते नहीं है, जिसका आटा जिसका लग जाता है ना कपड़े में फिर छूटता नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह। तो ये देखिए इस टाइप का घास है, ये जो कपड़ा में लग जाने के बाद ना नहीं छूटता है इसका कांटा, बहुत मुश्किल से, इसलिए हम लोग वही सारे कपड़े पहन कर आते हैं खेत में जो मतलब यूजलेस हो, जैसे ख़राब हो गए हैं जो कपड़े या फिर जो थोड़े अच्छे नहीं लगते हैं, मतलब यूज नहीं होता है जो कपड़ा, वही सब पहन के आते हैं, वरना वो तो एक बार खेत में आने के बाद यूजलेस हो जाता है। तो ऐसे ही होता है, चप्पल तो चलते हैं अभी घर की तरफ, बारिश भी शुरू हो गई है, बारिश बढ़ ना जाए क्योंकि अगर बढ़ जाएगी तो हम लोग भीग जाएंगे, बहुत बुरी तरीके से भीगेंगे। आगे दिखाते हैं आपको, और देखिए वो देखिए रेड रेड पार चले गए और मैं कहाँ हूँ। धीरे यहाँ पे फिर से पानी है, आओ पैर फंस गया। तो अभी चलते हैं जल्दी जल्दी घर की तरफ क्योंकि बारिश शुरू हो गई है और भीग जाएंगे। वो देखिए चप्पल वगैरह साफ करके रेडी हो गए हैं जाने के लिए घर,
अब हम भी यहाँ पे चप्पल साफ करेंगे, पैर साफ करेंगे, फिर चलेंगे। यहाँ पे पानी अच्छा है, अच्छा है बिल्कुल पानी। अरे मेरा चप्पल गया, चप्पल 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 हो गया। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं, अभी बारिश शुरू हो गई है, मैं दौड़ के दौड़ थक चुकी हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।